पहले हम बहुत डरता था हैंगिंग ब्रिज पे, लेकिन आज अभी तो डर ही नहीं लगते। He got shot in his head and died near a tree. सो गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज है पांचवा दिन हम लोग का। आज हम लोग यहाँ से तावांग से बोमडिला जाने वाला है। थोड़ा जल्दी भी बाजी में ब्लॉक कर रहा है क्योंकि सब कुछ हो चुका है। सब लोग पार्किंग में चला गया, हम अकेला होटल में। अभी ये हम लोग का रूम है और बाकी हम लोग कल बोमला पास मोनेस्ट्री ये सब घूम के आए, उसके बाद आज जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपना होटल से। आज का प्लानिंग कुछ ऐसा है हम लोग का। आज हम लोग जाने वाला है यहाँ से बोमडिला। बोमडिला लगभग 177-178 किलोमीटर है हम लोग तावांग से। तो फर्स्ट स्टॉप जो होने वाला है हम लोग का, वो होने वाला है जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। वहाँ पे हम लोग करेगा लंच, उसके बाद सेला पास, फिर सेला पास से दिरांग और उसके बाद तावांग। तो चलो चलते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो फुल तक देखना, बहुत ही मस्त वीडियो है। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेशन देता है हमको नया वीडियोस बनाने के लिए। गाइस अगर आप लोग नोटिस से और तावांग नहीं आए तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हैं। गाइस एक बार तावांग आओ यार, इतना सुंदर जगह है ना, आप लोग देख सकते हैं इतना मस्त मस्त व्यू है ना। लेकिन रोड थोड़ा खराब है, वो कुछ नहीं, वो तो बन रहा है, धीरे धीरे रोड भी बन जाएगा। लेकिन आप लोग जरूर विजिट करो तावांग, बहुत मस्त जगह है। और विंटर में आने तो दिसंबर में आओ, हाँ कसम बहुत मजा लगेगा आप लोग को देख के ना। पूरा स्नो पूरा वाइट हो जाता है एकदम। ओए क्या गड्ढा था बे, पूरा जूता गीला हो गया। गाइस यार व्यू देखो तुम लोग, व्यू देखो भाई साहब, फूल लोग से इतना सुंदर लग रहा है गाइस। तो गाइस हम लोग एक जगह में पहुंचा था, इतना सुंदर है ये जगह, देख सकते हैं भाई साहब। तो इतना मस्त जगह आने का बात सिनेमैटिक नहीं बनाना चाहिए तो तो गाइस सिनेमैटिक्स कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताइए। और हम लोग निकल चुका है अभी उस जगह से, बहुत सुंदर है इधर, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। अरे अरे ये सब क्या है? ओ गाइस व्यू देखो ना गाइस, क्या मस्त नहीं लग रहा है? रास्ता का दोनों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स, क्या सुंदर लग रहा है ना। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा है, छोटा मोटा ऐसा एक्सीडेंट तो होते रहते हैं राइड पे तो। लेकिन थोड़ा अगले बच्चे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना, सीधा पहाड़ का नीचे जाता है, कुछ नहीं ऐसा होते रहते हैं, चलते हैं। सो गाइस हम लोग अभी रुका एक जगह पे, यहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज है तो वो घूमने के लिए जा रहा, मस्त जगह है एकदम चिल। तो तब तक आप लोग कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। बस यहाँ से ब्रिज थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ब्रिज थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत मस्त ब्रिज है, बेम्बो का ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है, आप लोगों को दिखाएगा हम। ब्रिज का एंट्रेंस है ये, हम लोग ब्रिज पहुँच चुके हैं, मजा है ब्रिज तो। पहले हम बहुत डरता था हैंगिंग ब्रिज पे, लेकिन आज अभी तो डर ही नहीं लगते। हाय 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 क्या रास्ता है। सो गाइस ये हम लोग दूसरा रास्ता से आए और अभी हम लोग निकल चुका है हैंगिंग ब्रिज से। अभी हम लोग यहाँ से जाएगा सीधा जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, वहाँ पे हम लोग लंच करेगा और उसके बाद निकलेगा सेला पास के लिए। सो गाइस जैसे हम लोग देखा, हम लोग का उर्वशी दीदी छोटा मोटा सा गिर गया था थोड़ा सा। और अभी मेरा बारी है ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने का। बहुत गहरा पानी है, देखने में नहीं लगता है इतना क्योंकि पूरा कीचड़ है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये रास्ता में इसलिए आया क्योंकि हम लोग को चाहिए कॉन्टेंट। और खराब रास्ता में ऑफ रोडिंग करने में तो जो मज़ा है ना, वो ये हाईवे वाईवे चलाने में मज़ा नहीं है उतना, इसलिए हम लोग दूसरा रास्ता से आए।
और यहाँ का जो व्यू है क्या मस्त है। हाईवे का उधर से व्यू दिखाई नहीं मिलता है, जो यहाँ से दिखाई मिलता है नदी का साइड से हम लोग जा रहे हैं, एकदम बहुत ही मस्त व्यू है। मेरा गिला नहीं तो गाइस हम लोग अभी जो रास्ता से आया था वो मेन रोड नहीं था, उधर अंदर से 6 किलोमीटर बहुत ही खराब बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता था जहाँ से आया है हम लोग। और अभी हम लोग मेन हाईवे पहुँच चुके हैं, अभी बाकी लोग के लिए रुक रहे हैं, वो लोग आएगा उसके बाद हम लोग चला जाएगा अभी डायरेक्ट सिला पास। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं जसवंतगढ़ वार मेमोरियल के लिए, अभी यहाँ से ज़्यादा नहीं है 10-15 किलोमीटर चौका जसवंतगढ़ वार मेमोरियल। और गाइस ये मंदिर देखो यार पहाड़ का बीच में कितना मजा लग रहा है देखने के लिए। अगर अभी ग्रुप राइड नहीं होता तो पक्का रुक के आप लोग अच्छे से दिखाता, लेकिन ग्रुप में तो डिसिप्लिन जरूरी है, साथ में चलना पड़ता है। तो चलो चलते हैं। सो गाइस मौसम एकदम बदल चुका है, अभी इतना मस्त वाला मौसम हो रखा था अभी, लेकिन पूरा फोगी फोगी हो चुका है, 50 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे में। हम लोग पूरा धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी यहाँ से जसवंतगढ़ बस यहाँ से अभी 5-6 किलोमीटर होगा, लेकिन ये फॉग भाई साहब बहुत अल्टीमेट फॉग है भाई। सो गाइस हम लोग जसवंतगढ़ पहुंच चुके हैं, ये है जसवंतगढ़, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। We are not able to remove our helmet also. This is not cold. Cold will be in December. Temperature will be -20. -20? -20. So guys, ये है जसवंतगढ़ वार मेमोरियल। बना हूँ राख से मैं, मिलूंगा खाक में मैं, मैं खाली बर्तन कोई फिरूं लद्दाख में मैं, मुझे जाने से पहले है कुछ तो। Rifleman Jaswant Singh Rawat, who was carrying the MMG, he got shot in his head and died near a tree where we have built a Smriti Sthal. I will show that Smriti Sthal on ground also. After which Rifleman Gopal Singh Hussain, who was also injured, have crossed towards the Tejpur through Sela Pass only. तो गाइस हम लोग हैं अभी जसवंतगढ़ वार मेमोरियल में, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, और अभी हम लोग यहीं पे करेगा लंच कैफेटेरिया पे आर्मी के साथ। तो ठीक है चलते हैं कैफेटेरिया। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं लंच करके, अभी हम लोग जा रहे हैं सेला पास। तो गाइस फोग देखो आप लोग, फोग कितना ज्यादा हो चुका है, अचानक से आगे से गाड़ी आ जाने से पता नहीं चलते इतना ज्यादा फोग हो चुका है। गाइस एक बढ़िया सा व्यू दिखाएगा आप लोगों को, आवाज आ रहा होगा वो व्यू का। देख सकते हैं आंटी पूरा गीला हो गया जूता। जूता लकीश कहना। हाँ जूता लकीश कहना। हाँ जूता गीला हो गया, उसके बाद पॉलीथीन पहन के उसके बाद फिर वो सॉक्स लगा के फिर पहना जूता। यहाँ पर बर्फ़ गिरना कब से शुरू होता है? हाँ अक्टूबर का लास्ट से शुरू हो जाता है ना। हाँ तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा वहाँ पे आंटी लोग आग जला के बैठा हुआ था, तो हम भी वहाँ पे गया थोड़ा हाथ साथ गर्म करने के लिए, और बाकी क्योंकि बाकी टीममेट लोग बहुत पीछे था, हम बहुत आगे आ चुका था, इसलिए थोड़ा देर रुक के वो आंटी लोग के साथ में बात किया, बहुत ही अच्छा लगा है बात करके। सो गाइस व्यू देखो, व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस, आगे में पहाड़ है लेकिन पूरा बादल से ढका हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा रहा, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। और यहाँ से सिला पास ज़्यादा नहीं है, 5-6 किलोमीटर होगा सिला पास यहाँ से। गाइस हम लोग सिला पास पहुँच चुके हैं, ये है सेला पास, आज थोड़ा बादल कम है तो व्यू दिखाई दे रहा है बहुत मस्त। वेलकम टू द वेस्ट कमिंग। सो गाइस हम लोग फाइनली सेला पास पहुंच चुके हैं, तो मौसम थोड़ा खराब था लेकिन आज का व्यू तो अल्टीमेट।
तो गाइस बहुत हवा मार रहे हैं, बहुत हवा मार रहे हैं। हम लोग कहाँ पे पता है? 13,700 फीट ब्रो, सेला पास। गाइस हम लोग निकलेगा अभी सेला पास से। तो गाइस हम लोग सेला पास से निकल चुके हैं। ओह गाइस व्हाट अ व्यू, गाइस व्हाट अ व्यू, माशाल्लाह सुभानअल्लाह क्या मस्त व्यू है गाइस। गाइस व्यू देखो ना, व्यू वो इतना सुंदर है ना, देखो। अब वहां से हम अकेला आए क्योंकि मुन्ना झुंड में तो सुअर आते सेड़ा खेले जाते हैं। अभी हमें थोड़ा रुक रहे, चाय कॉफी वगैरह बाकी राइडर्स को आने दे रहा है। यहाँ से लगभग और 40 किलोमीटर है बोम जिला, लगभग शाम तक पहुँच जाएगा। तो ठीक है, तो बस ब्रो कॉफ़ी आ चुका है, बहुत मज़ा ये व्यू का साथ ऐसा कॉफ़ी। हम लोग निकल चुके हैं अभी कॉफ़ी सॉफी पी के, अभी हम लोग यहाँ से जाएगा डायरेक्ट बोमजिला, कोई रुखा रुखी नहीं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। वैसे हम लोग बोमजिला यहाँ से लगभग 39 या 38 किलोमीटर है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और अगर कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए। टिल देन साइनिंग ऑफ द एयर जियो 7 रोवर, टिल देन बाय बाय। एक बार मिट गया पर चढ़ ही जा रहा है। यारा तू है वादों में।